श्रमिक संघ ने जयपुर में सीएम भजन लाल शर्मा का विदेश से लौटने पर अभिनंदन समारोह आयोजित किया। रामलीला मैदान में आयोजित अभिनंदन समारोह में सीएम ने कहा कि आप जिस तरह समाज सेवा करते हैं, मुझे आपका सम्मान करना चाहिए। बीजेपी और वाल्मीकि समाज का नाता है, देश प्रदेश में वाल्मीकि समाज का योगदान का बड़ा महत्व है, जहाँ पर सफाई अभियान जन आंदोलन बन गया है। वाल्मीकि समाज हर कार्य में आगे रहता है। अगर बीमारी को दूर करना है, स्वच्छ रखना हो तो सफाई जरूरी है। तो वहीं पीएम के आह्वान पर सफाई अभियान जन जन का अभियान बन गया है। वाल्मीकि समाज इस अभियान को सफल बनाने का काम कर रहा है। तो सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने सफाई कर्मियों की कोई भर्ती नहीं निकाली। कांग्रेस के लोगों को सिर्फ चुनाव दिखता है। चुनाव के वक्त कांग्रेस के लोग ऐसी बात करते हैं जो कभी पूरी नहीं होती है। चुनाव के वक्त ये लोग झूठ की बात करते हैं। हमने वाल्मीकि समाज के हिसाब से भर्ती निकाली है। पहले भी हमारी सरकार ने 21,000 पदों पर भर्ती की थी। तो वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार हमेशा वाल्मीकि समाज के हित में काम करती है। हमेशा भाजपा की सरकार हमेशा सफाई कर्मियों के हित में काम करती है, हमेशा आपके हित में काम करती है। हमारी सरकार ने इन भर्तियों में आपकी मांगों के अनुरूप संशोधन कर नियमों का सरलीकरण भी किया है। लॉटरी के माध्यम से पारदर्शिता तरीके से पारदर्शी से भर्तियां करने का काम भी किया जाएगा। जबकि पिछली सरकार ने भर्तियों में क्या किया, उनमें तो पेपर लीक किए, लेकिन इसमें भी पेपर लीक जैसा ही किया था, इसमें भी पेपर लीक जैसा ही किया। हमारे युवाओं के साथ अन्याय करने का काम उन्होंने किया। और मैं कहना चाहता हूं, हम जब उनसे कहते हैं ये सफाई कर्मी की भर्ती नहीं, आपने देखा होगा हमने 60,000 फोर्थ क्लास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती भी हमारे कैबिनेट में हमने निकाली है। हमने 90,000 भर्तियां, 60,000 वो, 24,000 ये, 7,000 भर्तियां हमारे ड्राइवरों की, हमने एक साथ 90,000 भर्तियों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कोई भी गांव, कोई भी ढाणी, कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जिसमें युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम 5 वर्षों में, हमने जैसा कहा है कि हम 5 साल में 4 लाख भर्तियां करेंगे, और हमने ये भी कहा है कि हम प्राइवेट क्षेत्र में 6 लाख भर्ती करेंगे और पूरी भर्तियां 5 साल में 10 लाख करेंगे, 10 लाख करेंगे। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, वो कलम और डायरी साथ में रखें, हिसाब लगाते चलें कि हम कितनी भर्तियां निकाल रहे हैं और कितनी भर्तियां हम कर रहे हैं। क्योंकि हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जो भी हम कहते हैं पूरा करते हैं। और वही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कहते हैं वही करते हैं और करते हैं वही कहते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आज मैं सुन रहा था कांग्रेस के लोगों की पीसी चल रही थी, वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बाहर जा रहे हैं, एक पैसा नहीं लाए। अरे भाई, पैसे की कोई वहां से है, कोई बोरी में या कट्टे में भर के आएंगे क्या, हैं? आप बताइए, 15 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं, आपको दिख नहीं रहे क्या कितना बड़ा काम हुआ है? और अभी 2 महीने बाकी हैं, ये तो 2 महीने पहले, अभी हमारा राजिंग राजस्थान तो 9-10-11 दिसंबर को है, कितना आएगा मालूम पड़ जाएगा। क्यों चिंता कर रहे हो, आप लिखते जाइए, आपकी तरह नहीं है कि दिन में कुछ बोलते हो रात में कुछ बोलते हो, चुनाव आते हैं तो क्या वादा करते हो, चुनाव निकलने के बाद क्या वादा करते हो। ये देश की जनता जान चुकी है कि आप क्या करते हैं, इसलिए आपको कहां बैठाया है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो
तो चले खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां इस वक्त की